सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं GTA 5 के अंदर, और आज हमारा दूसरा एपिसोड है GTA 5 मोड्स के साथ। तो आज हम आए कार चुनाने के लिए, मतलब ये फर्स्ट मिशन है भाई फ्रैंकलिन के साथ। तो भाई सब मैंने सेट कर दिया है, और हमारे पास वेपन सारे के सारे आ चुके हैं। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, और अब हमारे पास वेपन की कोई कमी नहीं है। और आगे जाके तो ऐसे ऐसे वेपन लाऊंगा कि किसी ने सोची ना होगी। तो चलो अब हम कार लेते हैं। तो कौन सी कार लें? तो मैं आज रेड वाली लूँगा, क्योंकि हर बार मैंने इस मिशन में वाइट वाली ली। चल भाई लमार, तू निकल वो कार लेके, मैं रेड वाली लेके निकलूँगा। तो भाई कार तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन भाई मोड्स के हिसाब से बहुत ही खराब है। मतलब अभी मैं नहीं यूज़ कर सकता मोड कार बदलने के लिए, मिशन कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि यही चाहिए। तो कोई बात नहीं, ये वाली कार ही देख लो भाई। तो चलो हम लमार को फॉलो करते हैं। तो भाई लमार रुक जा, तो इसकी गाड़ी फोड़ते हैं। चलो अगर लमार का हर बार का है भाई, इतनी तेज़ी से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, कार तो रुकने वाली है नहीं, तो डायरेक्टली मैं आपको जहाँ पे लमार रुकेगा वहाँ जाके मिलता हूँ। लेकिन जिसने GTA 5 की सीरीज मतलब पहली बार देख रहा होगा, अब शायद वैसे तो देख ही ली होगी, लेकिन जो भी नया होगा GTA 5 के मिशंस देखने के लिए, उनको पता नहीं चलेगा ये सब। तो भाई मैं अभी नहीं कट करता हूँ, आप देखते जाइए। ये सब एक स्टोरी मोड है, मतलब इसी रास्ते से हमें जाना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, लमार को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लमार से थोड़ा भी दूर हो गए तो भाई ख़त्म। इसलिए मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ। बाकी हमारे पास है मोड्स, तो हम कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वो आगे जाके पता चलेगा। तो बहुत बकबक कर ली। चलो अब मैं भगाता हूँ जल्दी कार को। और भाई लमार तो सारी यहाँ पे स्लो चलाता हूँ, हर बार मैं इसको ठोक देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने बचा लिया। अरे पुलिस वाला गया भाई, भाई मैं गया, लेकिन भाई ऐसा मत करो यार। भाई लमार रुक जा, तू इसकी कार को फोड़नी है मेरे को, लेकिन नहीं फूटेगी, फूटती ही नहीं। मैं अभी पूछने वाला था ट्रक के नीचे, अगर मैं ब्रेक ना लगाई होती तो मैं भी सीधा अंदर। लमार आज तू कुछ भी कर ले, लेकिन आज तुझे मैं हरा के नहीं रख पाऊंगा। कुछ भी बोल रहा हूँ। और लमार भाई आगे निकल गए। अरे देखो कार कितनी भी ठुक जाए, लेकिन टूटने वाली है नहीं भाई। GTA 5 मोड्स किस काम के बाद में अगर हमारी कार टूट जाए तो। लेकिन ये लमार बहुत ही तेज भगा रहा है, और हर बार कहे भाई मैं ही पीछे रह जाता हूँ। नहीं भाई इसमें नूब नहीं हो भाई, सब में नूब नहीं होता भाई, आई एम प्रो। मेरी ड्राइविंग स्किल मतलब आपको मालूम नहीं होगा यार भाई, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कार चलाने का भाई। और फिर क्या बोल रहा था मैंने, कुछ नहीं सुना ना आपने? कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा था भाई, मैं तो यूँ ही बोल रहा था कि मैं कार अभी सीख रहा हूँ भाई, नया हूँ, अभी चलानी मुझे आती नहीं। तो मैंने बोला कि GTA 5 में सीखता हूँ कार, GTA 5 के अंदर चलाने के लिए। सच्ची में मेरे को आती है GTA 5 के अंदर भाई, क्या अभी सीखना पड़ता है। मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ भाई। क्या हुआ, कुछ देखा किसी ने? नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ भाई। तो गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं आया, देखो नहीं आया, देखो कुछ नहीं होगा कार को। पार्क नेक्स्ट टू लमार, तो हम लमार के पास पहुंचने वाले हैं। ओए लमार रुक जा, बाकी तुझे इतना मारूंगा कि तुझने सोची ना होगी। थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेता हूँ मैं, देखो थोड़ा बहुत टैलेंट है ओवर एक्टिंग का। और ये देखो पुलिस आई और गई भाई, लो ले पुलिस वाले, पकड़ के दिखा भाई, हिम्मत हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ भाई। लेकिन नहीं, आपका काम ही नहीं है भाई, क्योंकि आई एम द बॉस, और मैं हूँ GTA 5 का सबसे बड़ा गैंगस्टर। मतलब हिम्मत देखी भाई पुलिस वालों की, पकड़ ही नहीं पाए। और ये देखो मिशन ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो गया, मतलब ऐसे देखो आवाज़ आएगी ऐसे करके।
चुटकी बजाई और पुलिस वाले गायब। मतलब आई एम नॉट अ थैनोस, मतलब मैं थैनोस नहीं हूँ भाई, लेकिन फिर भी मिशन पार हो चुका है भाई। तो अब हम आ चुके हैं सिम्बियन के शोरूम के अंदर, और भाई हमारी कार आ चुकी है चोरी करके, और बहुत सारी कार ले सकता हूँ भाई, तेरी कार की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा सिम्बियन। तो यहाँ पे सिम्बियन बात कर रहा है किसी लड़के से, और आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन है, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर क्या मज़ा आएगा यार। तो अब हमें जाना है यहाँ से फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि भाई एक मिशन ख़त्म हो चुका है। अब हम जाते हैं फ्रैंकलिन को घर पे छोड़ने के लिए, मतलब लमार अपने साथ आएगा। ये फ्रैंकलिन की कार है जो आप जब GTA 5 खेलोगे तब आपको भी मिलेगी ये कार, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टर की अलग अलग कार है, जैसे कि अभी आएगी बहुत आगे जाके सभी की, मतलब आपको मालूम ही होगा। फिर भी यार बता रहा हूँ, अगर किसी ने ना देखा हो तो यार बाद में ऐसा हो जाएगी, मैं पूरा का पूरा स्टोरी आपको एडवांस में बता दूँ, और बाद में आप मेरी वीडियो क्यों देखोगे, क्योंकि आपको सब मालूम हो चुका है। तो मैं नहीं बताऊँगा आगे का, मैं आपको सिर्फ जो खेल रहा हूँ वही मिशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे जाके बहुत आने वाला है वीडियो, सब्सक्राइब कर लो यार, इतना तो कर लो। तो अब हम पहुंच चुके हैं फ्रैंकलिन के घर पे, फ्रैंकलिन की कार पार्क कर दिए और हम ये फ्रैंकलिन के घर से बाहर निकल गए भाई। ये वाला छोटा सा घर फ्रैंकलिन का है भाई, और ये हमें अंदर ही मिलता है गेम के अंदर, और सिम्बियन का फोन फिर से आ चुका है भाई। तो मेरे पहले से बात कर लेता हूँ और बाद में आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो भाई मैंने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि मुझे मालूम है क्या करना है। तो बेसिकली हमें जाना है सिम्बियन के पास, और वहाँ से जाके हमें एक बाइक चुरानी है। तो चलो हम चलते हैं अब, और ये हमारे पास गन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और ये वाली गन भाई बहुत ही बेहतरीन है। देखो भाई आपने देखी होगी टेक्नो गेमर्स के वीडियो के अंदर, लेकिन भाई ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाली गन इतना मज़ा आता है ना भाई, मतलब बहुत ही पावरफुल गन है। देखो मतलब एक कार को मैं मारूंगा और एक कार पूरी की पूरी जाके ठुक चुकी है, और पूरी उड़ जाती है भाई, मतलब ये देखो भाई पूरी उड़ जाती है, बच गई भाई। कोई बात नहीं, बस अब गन से खेलना बंद करता हूँ और मैं पहुँचता हूँ सिम्बियन के पास मिशन करने के लिए, बाकी ये सब तो चलते रहेगा। तो आपको क्या लगा मैं सिम्बियन के पास ऐसे जाऊँगा? नहीं भाई, एक कार देखो भाई, आपको मालूम ही क्या एक कौन सी कार है जो टेक्नो गेमर्स बहुत ही ज़्यादा चलाता है, और वो कार है लैम्बोर्गिनी टेर्ज़ो। लेकिन ये टेर्ज़ो लैम्बोर्गिनी टेर्ज़ो नहीं है, लेकिन जो मोड्स में आती है वही वाली कार है। और अगर मोड्स की सीरीज़ है ये और उसके बाद में आपको ऐसी कार ना दिखाऊँ तो फिर ये सब बेकार है भाई। भाई क्या मैंने राइमिंग कर दी भाई, भाई मैं एक रैपर बन सकता हूँ क्या? नहीं नहीं भाई, कोई नहीं, बहुत आगे नहीं जाना है भाई हमें, हमें यहाँ पर ही रहना है, हम एक गेमर है, गेम खेलो बस भाई, बस बस बस। अच्छा भाई कार इतनी अच्छी है ना ये वाली, सच्ची बताता हूँ, मज़ा आएगा अगर आप भी मोड्स इंस्टॉल करते हो और GTA 5 खेलते हो तो। ये देखो यार भाई, और मैं एक सस्ती सी बाइक चुराने के लिए जा रहा हूँ सिम्बियन के लिए, क्यों भाई कैसे दिन है भाई अपने, लेकिन करना पड़ता है, क्या करूँ भाई, पापी पेट का सवाल है भाई, पैसे बहुत है लेकिन खर्च नहीं कर सकता, आप समझ रहे हो नहीं, थोड़ा सेविंग करते फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं एक सस्ती सी बाइक चुराने के लिए भाई, और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक बाइक चुराने के लिए। तो हम क्या लेके जाए वो कंफ्यूज हूँ, तो पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ। भाई लमारो उस गाड़ी में जाके बैठ चुका है, लेकिन हम बाइक लेके जाएंगे, ठीक है? चलो मैं पहले बाइक ले लेता हूँ, बाद में मिलता हूँ। तो भाई एक बाइक ढूंढने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया ना कि मत पूछो यार, फाइनली मैंने ये वाली बाइक ले ली है भाई। ये भी बहुत ही तगड़ी बाइक है, और क्या भागती है ना भाई। तो आप जो भी बाइक लेना आप सिर्फ कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी कार चाहिए, कौन सा बाइक चाहिए, और कौन सी मतलब टैंक चाहिए, सुपर बाइक, सुपर कार, कुछ भी यार, सब लेके आएंगे भाई। लेकिन ये GTA 5 मिशंस विद GTA 5 मोड्स की सीरीज है, और अलग से एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें बहुत सारी कार्स होगी, जैसे कि Lamborghini, Range Rover और बहुत सारी इंडियन कार्स। तो आपको भी मजा आना चाहिए ना यार, मतलब कुछ देखने के लिए। तो आपके लिए मैं बहुत सारी की सारी कार्स और सब कुछ लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब हम अंदर जाते हैं, और मैंने एक हथियार ले लिया, और उसके पहले मैंने कुछ थोड़ा सा
कलर किया था, मतलब पोपट किया था अपना, क्योंकि मैंने डायरेक्ट गन निकाल दी थी और सब चौकन्ना हो गए और मिशन फेल हो चुका था। और ये साला बेवड़ा, इसको भी मैंने मार दिया था उसके पहले में, लेकिन ये जो जा रहे हैं ना कार के अंदर, उन्होंने सालों ने पकड़ लिया, मतलब अलर्ट हो चुके थे। तो भाई फिर से मुझे मिशन करना पड़ रहा है। तो देखो इस मिशन में हमारे पास गन्स की कोई कमी नहीं है, हेल्थ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि चीट कोड भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीट कोड के अंदर हमें सब कुछ नहीं मिलता। मोड्स के अंदर ऐसी ऐसी गन्स है हमारे पास, मत पूछो। ये देखो भाई, अभी अंदर रखने दो, बाकी ये लोग अलर्ट हो जाएंगे और हमारा मिशन फिर से फेल हो चुका है, मतलब फेल हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो अब हम चलते हैं इस मिशन के अंदर। हमें बाइक चुरानी है और गैरेज में से कोई एक सिलेक्ट करना है, लेकिन ये राइट वाला गैरेज है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद तुरंत ही हमारी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। पहले मुझे नहीं मालूम था, लेकिन GTA 5 खेलने के बाद भाई सब कुछ आ जाता है। तो चलो अब हमारी बारी आ चुकी है, और ये देखो, अब देखो तबाही मचाता हूँ, मशीन गन लेके सबको ख़त्म करूँगा। ये पिस्तौल की उठाओ मैं लमार, जब मेरे पास सब कुछ है तो आ जाओगे, दम है तो मार के दिखाओ। तेरी आज तो किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। ऊपर क्या कर रहा है बे, नहीं बच पाएगा कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ सामने आओ। और सामने एक आ चुका है, तो भाई लो भाई कोई भी टेंशन नहीं है। ये देखो पूरी दीवार को तोड़ दिया भाई और ख़त्म कर दिया। और इस मिशन में एक कार वाला भाग रहा है, भाई तू मत भाग, क्योंकि नहीं भाग पाएगा। बच के कहाँ जाओगे भाई, क्योंकि अब हम यहाँ के गैंगस्टर है, तुम नहीं। और ये बाइक वाला भागने वाला है वहाँ पे, तो मैं मेरी गन को स्टार्ट रखता हूँ, और जैसे ही बाइक वाला मुझे दिखे भाई गया भाई। पहली बार मैंने इस बाइक वाले को यहाँ पे ही ठोक दिया है, और बाइक हमारे पास आ चुकी है। अब हमें डायरेक्टली जाना है कार वॉश पे। तो भाई कितना आसान हो चुका है हमारा GTA 5 का मिशन। और भाई क्या तू ये बाइक लेके हमसे अब मेरे से नहीं भाग सकता, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको डायरेक्ट कार वॉश पे जाके मिलता हूँ, ठीक है। तो मैं सीधा टेलीपोर्ट होके आ चुका था कार वॉश पे। और ये देखो भाई कार हमने क्या ली है भाई, ये पूरी फुल आर्मर वाली कार है, लेकिन वैसे भी सारी की सारी गाड़ी फुल आर्मर वाली है, तो हमें कोई छू तो नहीं पाएगा। तो चलो भाई अब हम घूमते हैं, और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और कौन सी वीडियो देखना चाहोगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।